तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ न होगा। मैं रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो शहीदों के शव को उनके घरों तक भिजवाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। यहाँ पर सैकड़ों लोग आए और नेताजी को सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित। आज पीपीगंज में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच में कुछ सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह की स्मृतियों के बारे में कुछ बताएं। मैं धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी। मनाई जा रही है ये हमारे नेताजी की जो अरे उपलब्धियाँ थी, इन आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ न होगा इनके, जो हम लोग तो गए थे इनके सैफा इनके गांव पे, जो इनकी भीड़ इनको देख करके वहाँ पे इतनी बड़ी फील्ड और इतनी 200 किलोमीटर की दूरी में भैया जो गाड़ियाँ लगी थी और सब लोग पहुँच नहीं पाए, इतनी जाम हो गया, इतना भीड़ हो गया कि वहाँ जगह नहीं रह गई। और मैंने देखा कि वो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष के लोग भी, जो विपक्ष के लोग भी, तो वह भी मानते थे नेताजी को। नेताजी किसी एक पार्टी में समाजवादी पार्टी के तो थे, लेकिन वह किसी पार्टीवादी का काम नहीं करते थे कि नहीं हम एक जाति विशेष का काम करते थे। वो सबको, अमीर और गरीब सबको लेके चलते थे और गरीबों के मसीहा थे। मैंने उनके हिंदुस्तान में रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो शहीदों के शव को उनके घरों तक भिजवाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। अगर किसान हमारे देश का खुशहाल नहीं रहेगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। गांव से होकर के सैफई गांव से आकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का काम किए और मुख्यमंत्री बनते ही जो अभी चुंगी समाप्त किए। मैं प्रमोद यादव, जनसेवक। आगामी 21 तारीख को श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा प्रत्येक विधानसभा के हर गांव और नगर पंचायतों में मनाई जाए। इसी क्रम में पीपीगंज नगर पंचायत में भी हम लोगों ने यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का रखा था और यहाँ पर सैकड़ों लोग आए और नेताजी को सब लोगों ने श्रद्धा सुमन